इतनी देर हो गई है समीर, हमें इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था। बुढ़िया कुछ नहीं होता है, बाबा मुझे ढूंढने निकल गया होगा। तुझे तो कुछ समझ ही नहीं। जा चलो मत आप भाई। गुड़िया छोड़ो मेरा हाथ, क्या दे दे मुझे तू? पागल हो गई है गुड़िया, मेरी बात तो सुन। मैंने कोई बात नहीं सुनी तेरी, इसी दिन का कहा था ना मैंने तुझसे, ये सब गलत है। गलत है क्या? गलत है बता, हमारा प्यार कोई गुनाह है? मेरी बात का जवाब दे गुड़िया, हमारा प्यार कोई गुनाह है? तो हम क्यों किसी से डरें? मैं अपने प्यार के लिए ना पूरी दुनिया से टकरा जाऊंगा, सिर्फ तेरा साथ चाहिए बस। तुझे मेरे पे यकीन नहीं है? तेरी एक एक बात सच्ची है समीर, बड़ा भरोसा है तुझ पे, बड़ा फखर है अपनी मोहब्बत पे, लेकिन तुझे ये तूफान नजर नहीं आते? तुझे ये आतिश नजर नहीं आती जो हमारे पैरों के नीचे हो रही है, फटना चाहती है? तुझे कुछ पता नहीं है समीर, तुझे कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। मैं इस वक्त भी तेरा हाथ पकड़ के पहाड़ के ऊपर से कूद सकती हूँ, अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन मेरे बाबा का क्या कसूर? और मेरी माँ, उसके मैं अजाब कैसे गुनहगार बनूं? कैसे? तो चल। किधर ले जा रहा है? तेरे बाबा के पास। पागल हो गया। मैं उनके कदमों में गिर कर अपनी मोहब्बत की भीख मांगूंगा। बहुत प्यार करते हैं ना तुझसे, मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे, वो बस हाँ कह दें। मुझे अपने बाबा की कोई परवाह नहीं है। मेरा बाबा तो तुझे अपने गले से लगा लेगा, तेरे रिश्ते के मांगने का इंतजार भी नहीं करेगा। मुझे फिक्र सिर्फ अपनी अम्मा की है। अम्मा? छोटी अम्मा? हाँ समीर, छोटी अम्मा। पर तेरा उनसे क्या वास्ता है? समीर, बाबा मेरा बाबा नहीं है। मुझे नहीं पता मेरा असल बाप कौन है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिस दिन से मैं पैदा हुई थी ना, तो अम्मा ने मुझे बाबा की गोद में डाल दिया, और उसी दिन से मेरे बाबा ने मुझे सीने से लगा के रखा, और मेरी माँ ने मुझे उतना ही दूर अपनी नजरों से आज तक। और अगर उनको पता चल गया कि मैं उनके दुश्मन के बेटे से प्यार करती हूँ, ये सब नहीं हो सकता। इसमें फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता रह गया। गुड़िया चला भाग चले, दूर, बहुत दूर, चला चला भाग चले, अभी अभी इसी वक्त। मैं नहीं जा सकती, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती।
मैंने पैदा होने से आज तक अपनी माँ की एक प्यार भरी निगाह का इंतजार किया सभी। मेरी जिंदगी का मकसद उनका प्यार। मुझे पता है एक दिन वो मुझे अपने सीने से जरूर लगाएगी। मैं नहीं जा सकती तेरे से। शेरू इतना लंबा कद हो गया तेरा और बच्चे का बच्चा ही रहा है। ओ बाजी तू भी इतनी बड़ी नहीं हुई कि अपने सवालों का जवाब आसमानों में ढूंढ रही है। किस बात का बतंगड़ बना रहे? खैर छोड़, मुझे ये बता किस चोरी में पकड़ा गया? क्या मतलब? बाजी की याद तो तभी आती है ना जब गर्दन कट रही हो। अरे नहीं बाजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब नहीं करता शैतानियाँ। शैतानी? तूने ही लफज इजाद किया है। वो जी चाची ने बादाम का शरबत बनाया है, अगर कहें तो ले आऊं? हाँ हाँ के ना? हाँ। अरे आप क्यों हाँ कह रही हैं? क्या बकवास कर रहा है? मेरी तो किस्मत ही खराब है, सारे गलत लोग मुझे हाँ कह ही जा रहे हैं। ओ रुक, तू किधर जा रहा है? वो ना मुझे काम याद आ गया एक। जरा इधर आ, बैठ और मुझे बता ये हो क्या रहा है। बाजी मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा? शेरू तुझे पता है ना उसकी हैसियत इस घर में क्या है? इंसान है और मेरे लिए इतना ही काफी है। शेरू मुझे तेरे लिए बड़ा डर लगता है। जब ये बात सब लोग जान जाएंगे तो क्या होगा? तू गलत समझ रही है बाजी, मैं बस उसे प्यार करता हूँ और ये मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ में मान में रखे, तुम दोनों को बड़ा खुश रखे। मैं जाऊं? जा।